दोस्तों, ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अगर आप इस पर गौर दें तो आप इसमें उपस्थित जो है पेंशनर्स उनकी संख्या को गिन सकते हैं। यहाँ पर आप गिन सकते हैं उनकी संख्या को। ये आपको बताते चले कि इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके इन्फॉर्मेशन, ये क्या मैटर है, क्या कंटेंट है, कहाँ से लोग हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप पिक्चर को देखें और महसूस करें। पिक्चर आपको प्रेरणा देती है किन भी परिस्थितियों में। ये बुज़ुर्ग जो हैं वो आपको प्रेरणा देते हैं किन भी परिस्थितियों में। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे आप अकेले हों, चाहे आप टूट चुके हों, चाहे आप हार चुके हों, फिर भी आपको संघर्ष करते रहना है। और निश्चित तौर पे जो संघर्ष आप कर रहे हो आज के लिए, वह भविष्य जरूर संवारेगा। ये पिक्चर्स जो है, ये पिक्चर्स आपको प्रेरणा देती है। विपरीत, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो है पेंशनर्स अपनी माँओं के लिए, जो आप देख रहे हैं विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जिलों में संघर्षरत हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई पेंशनर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा, तो हम लोग समझते हैं कि क्या वजह रही है कि पेंशनर्स इस तरह से जो है संघर्षशील हैं। दिन था 5/3/2024। अभिनंदन कुमार पांडे, मंडलीय अध्यक्ष आगरा के सानिध्य में बस स्टैंड मैनपुरी पर श्री ब्रह्मदेव दुबे, ब्रह्मानंद दुबे की अध्यक्षता में PS95 पेंशनर्स की राष्ट्रीय संघर्ष समिति मैनपुरी की मासिक बैठक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनर्स के हित लाभ में शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए प्रयासों का गहन विचार व्यक्त किया गया। सर्वश्री सूरज सिंह, SN पालीवाल, लालता प्रसाद गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए एवं आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्धारित निर्देशों के अक्षरशः पालन का संकल्प लिया है। अध्यक्षीय भाषण उपरांत सभा का समापन किया गया है। OP द्विवेदी, सचिव जो है PS95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति मैनपुरी। तो हमने देखा कि मैनपुरी में इस तरह से पेंशनर जो है अपने प्रयास के लिए, अपने संघर्ष के लिए जो है सतत रूप से अविरल, आप कह सकते हो कि प्रयासरत है। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे।